हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 गैस गिव्स 4N2 प्लस O2। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये ऑप्शन नहीं, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों हमें, ठीक है ना। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है मुझे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये क्या कह रहा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। देखो अगर मुझे कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पता करना है टाइम टी, वो क्या होता है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यही तो होता है। जहाँ पे ए नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, के इज द रेट कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम। अब देखो अगर अगर मुझे टाइम के साथ मुझे रिलेशन बताना है, तो देखो अगर मेरा टाइम इंक्रीज कर रहा है, मेरा के टी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। के टी इंक्रीज करेगा तो मतलब माइनस के टी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब e टू द पावर माइनस के टी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। इसका मतलब अगर e टू द पावर माइनस के टी डिक्रीज कर रहा है, के टी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस के टी क्या है, ए टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसका मतलब द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, मतलब एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट, राइट। फिर क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर। देखो हमें पता है जो हमारा टी हाफ होता है, दैट इज इक्वल टू 0.693/k। अब देखो k हमारा क्या होता है बच्चों, रेट कॉन्स्टेंट। तो क्या रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? जरूर, एकदम करता है। कैसे करते हैं बच्चों, आपने ये वाला वाला एक्सप्रेशन पढ़ा ही होगा, है ना। अर्हेनियस इक्वेशन में क्या बोलता है ये, देखो तो हमारा के है बच्चों, हमारा के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट, है ना। टी क्या है बच्चों, हमारा टेम्परेचर है। ये क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो देखो अगर मेरा टेम्परेचर जो है, अगर मेरा टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है, तो ई ए बाय आर टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो डिनोमिनेटर में है, तो ये पूरा न्यूमरेटर क्या कर जाएगा, मतलब पूरा वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब माइनस ई ए बाय आर टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे माइनस है ना, देखो जब भी ऐसा कोई आता है ना कि ई ए बाय आर टी, मतलब कुछ भी ऐसा आता है कि पॉजिटिव वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो उसकी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर ई टू द पावर माइनस, इसका मतलब ये अगर इंक्रीज कर रहा है, तो ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। k जो है हमारा e टू द पावर माइनस ई आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब k भी इंक्रीज करेगा अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज। तो दिस रिलेशन, इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन क्या कर रहा है बच्चों, एक सेकंड बच्चों, नहीं 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 रुको, ये देखो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो ये k तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब k अगर इंक्रीज कर रहा है तो मेरा t हाफ क्या हो जाएगा, t हाफ मेरा डिक्रीज कर जाएगा, है ना। देखो t इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, e टू द पावर ea बाय rt डिक्रीज किया, तो माइनस ea बाय rt क्या किया, इंक्रीज किया, तो e टू द पावर माइनस ea बाय rt भी इंक्रीज किया। इसका मतलब k इंक्रीज किया, अगर k इंक्रीज कर रहा है तो t हाफ क्या कर जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब ये तो हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए बच्चों हमेशा एक बार रीचेक कर लेना, अपना जो भी सॉल्व करो ना उसे एक बार रीचेक कर लेना, नहीं तो देखो अगर हम यहीं पे के पे रुक जाते ना, हमारी ये स्टेटमेंट गलत आ जाती। फिर देखो ये क्या कह रहे हैं, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या होता है, टी हाफ ही तो होता है, टी हाफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन। बच्चों हमारा के है, देखो अगर मेरा ये क्या होता है 0.693/k, के अब हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये जो ए है ना बच्चों, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, इसको कंसेंट्रेशन स्टेट मत कर लेना, ठीक है। तो ये देखो ये तो डिपेंड कर नहीं रही है ना, का मतलब ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट, है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो हमारा हाफ लाइफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर में, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। हिसाब से तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि टी 99.6% जो है द रिएक्शन टू 99.6% कंप्लीशन इज 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन, ठीक है ना, मतलब इसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये मुझे प्रूफ करना है, अगर ये सही आता है तो हम इसको पास कर देंगे। चलो करते हैं, कैसे करेंगे, टी 99.6% हमें पता है जो हमारा ये वाला वैल्यू होता है, मतलब
रेट कांस्टेंट टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है 2.33 लॉग ऑफ ए नॉट बाय एटी। यहाँ पे एटी क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट माइनस 99.6% ऑफ ए नॉट, यही आएगा है ना। का मतलब क्या आ जाएगा अगर यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, मतलब 99.6 डिवाइडेड बाय परसेंटेज है मतलब डिवाइडेड बाय 100 एक और ये जाएगा तो क्या आ जाएगा 1000, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0.9961 माइनस 0.996 कितना आएगा बच्चों। देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना इसको, ए नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.996 लिख सकती हूँ राइट। सो ए नॉट इंटू ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा 10-6 = 4 या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा 0.004, यही आएगा है ना बच्चों। ठीक है तो चलो इसको प्रोसीड करते हैं, ये क्या आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे तो हमारा के भी मल्टीप्लाइड है ना, के इंटू टी होता है ना के, 2.303 ए नॉट डिवाइडेड बाय 0.04, ये अगर ऐसे गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10^3 आ जाएगा है ना। तो अब देखो देखो अब क्या कर सकते हैं कि 99.6% हमें पता है के को मैं चेंज कर सकती हूँ हाफ में, 2.303 बाय के क्या होता है 0.693 इंटू टी हाफ आ गया, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा लॉग ऑफ 10^3/4 मतलब ये क्या आएगा लॉग ए बाय बी, मतलब क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब ये क्या होगा 10^-3 बाय log माइनस log 4 क्या आ जाएगा 3 log 10 होता है 1, सो 3 log 10 विल बी 3 1 माइनस log 4 बच्चों, ये क्या होता है log 4 होता है हमारा 2 log 2 सामने आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 log 2 कितना होता है 0.301। देखो बच्चों log अगर ये 2 to the power 2 आया तो log a to the power b आता है मेरा b log a आ जाएगा 2 log 2 ऐसे बना रहे हैं। ठीक है अब log 2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये होता है 0.301 3-2 0.31 ये आता है मेरा 2.398 को मैं बराबर लिख सकता हूँ 0.4 के है ना एस्टिमेट करके, तो ये क्या आ गया बच्चों ये आ गया मेरा 2.4। अब इसको कैंसिल करो इससे 2.6 जाता है 0.3, अब ये इधर से गया ये इधर से गया 3 1s are 3 8s are 20, तो बच्चों टी 99.6% क्या हो गया 8 times ऑफ टी हाफ, इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये एकदम करेक्ट है बच्चों एकदम करेक्ट है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ऑप्शन ए ए ए बी एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों।